माय डियर फ्रेंड्स, एक्सीलेंट विजन सिविल इंजीनियरिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि बिल्डिंग मटेरियल के एक नए चैप्टर ब्रिक्स का हम लोग अध्ययन कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने लेक्चर फर्स्ट में अध्ययन किया था इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक और हार्मफुल इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक्स के बारे में। उसके आगे हम लोग अध्ययन करेंगे आज लेक्चर सेकेंड में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक के बारे में, यानी ब्रिक का निर्माण कैसे करते हैं, कैसे ब्रिक आपकी बनती है, क्या प्रोसेस होता है ब्रिक के बनने का। तो आइए देखते हैं देर न करते हुए मैन्युफैक्चरिंग ब्रिक के बारे में। इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक बात करना चाह रहे हैं कि वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि सभी बच्चों के पास पहुँच सके वीडियो। तो चैप्टर आपका था ब्रिक्स। तो ब्रिक्स में हम लोग आज अध्ययन करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक। तो ब्रिक का निर्माण कैसे होता है, कौन कौन से स्टेप होते हैं ब्रिक के प्रिपरेशन के, ब्रिक के निर्माण के। तो सबसे पहला, जैसा कि मैंने बताया था कि ब्रिक आपकी क्ले से बनती है, तो सबसे पहला स्टेप हम लोग यही अध्ययन करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ क्ले। जब क्ले तैयार हो जाएगा, क्ले को तैयार करने का भी देखेंगे कैसे क्ले हम लोग तैयार करेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ क्ले, जब क्ले तैयार हो जाएगा यानी मिट्टी आपकी तैयार हो जाएगी, तो हम लोग माउल्ड की जरूरत पड़ेगी, या मशीन माउल्डिंग करें या हैंड माउल्डिंग करें। तो हम लोग माउल्डिंग करेंगे, यानी ब्रिक को उसकी साइज या शेप में ले आना, उसकी शेप में ले आना ब्रिक को, ही आपका माउल्डिंग कराता है। माउल्डिंग साँचा होता है, यानी ब्रिक को एक साँचे में रखकर उसको उसके शेप में ले आते हैं। तो ब्रिक की माउल्डिंग करेंगे प्रिपरेशन ऑफ क्ले के बाद, और जब माउल्डिंग हो जाएगी तो उसकी ड्राइंग करेंगे, यानी ब्रिक की ड्राइंग की जाएगी, और ड्राइंग के बाद लास्ट स्टेप आपका बर्निंग होगा। तो ये चार स्टेप होंगे आपके मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक में। पहला होगा प्रिपरेशन ऑफ क्ले, दूसरा माउल्डिंग, तीसरा ड्राइंग, चौथा बर्निंग। एक हम आप लोगों से क्षमा मांगना चाह रहे हैं कि जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते होंगे, त्रुटि इंसान से ही होती है। तो पिछले वीडियो में एक त्रुटि हो गई थी मुझसे, मैंने फ्रॉग के बारे में पढ़ाया था, दिल्ला यानी फ्रॉग का क्या कार्य होता है। पहला मैंने बताया था कि उस पर कंपनी का नाम लिखा जाता है, यानी नामकरण करने के लिए। अब दूसरा मैंने बता दिया था कि बाइंडिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करने के लिए, बाइंडिंग प्रॉपर्टी वह नहीं प्रोवाइड करता है, बल्कि बाइंडिंग प्रॉपर्टी जो आपके इंग्रेडिएंट्स होते हैं वह प्रोवाइड करते हैं। तो क्या काम होता है दूसरा फ्रॉग का, फ्रॉग जो होता है वो बॉन्ड को मजबूत बनाता है, यानी की का कार्य करता है, यानी बॉन्ड को, दूसरा जो फ्रॉग का कार्य होगा वो बॉन्ड को मजबूत बनाने का कार्य होगा। तो यही हम आप लोगों से क्षमा मांगना चाह रहे थे। हम आप लोगों से कहना चाह रहे हैं कि यदि कहीं पर हमसे त्रुटि हो जाती है तो हम अवश्य आशा कर रहे हैं कि आप लोग हमको क्षमा कर देंगे, क्योंकि छोटी छोटी त्रुटियां होती रहती हैं इंसान से, और उन त्रुटियों को बताने का कार्य आपका है। वैसे हम जानकर त्रुटि नहीं करेंगे। तो यदि त्रुटि कोई आप देख रहे हैं मेरे अंदर या पढ़ाने के अंदर, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट ऐसे कीजिए, जिससे हमें पता चल सके कि क्या त्रुटि मैंने कर दी है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला स्टेप आपका है प्रिपरेशन ऑफ क्ले, यानी क्ले का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आपका स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ क्ले में, सबसे पहला आपका स्टेप होता है जो वो आपका होता है अनफॉइलिंग, यानी क्ले के प्रिपरेशन के कई स्टेप होते हैं, जिसमें आपका पहला है अनफॉइलिंग। तो क्या होता है अनफॉइलिंग, सबसे पहला इससे पहले आपका स्टेप होगा सिलेक्शन ऑफ साइट, यानी पहले साइट का सिलेक्शन करेंगे हम लोग। प्रिपरेशन ऑफ क्ले से पहले आपका जो होगा स्टेप, वो आपका सिलेक्शन ऑफ साइट, यानी कहाँ से हमें मिट्टी प्राप्त करनी है, उस साइट को चुनना ही सिलेक्शन ऑफ साइट कहलाता है, यानी सिलेक्शन ऑफ साइट सबसे पहला स्टेप होगा। उसके बाद जो आपका स्टेप आएगा वो अनसॉइलिंग आएगा, यानी दूसरा जो स्टेप होगा वो आपका अनसॉइलिंग होगा। तो अनसॉइलिंग में क्या करते हैं कि जब साइट का सिलेक्शन हो जाता है, तो साइट पर जाकर 20 सेंटीमीटर ऊपर, यानी 20 सेंटीमीटर गहरी
मिट्टी की लेयर को हटा देते हैं। यानी अनसॉइलिंग प्रोसेस में क्या होता है कि 20 सेंटीमीटर गहरी मिट्टी की लेयर को हटा दिया जाता है, यही आपकी अनसॉइलिंग हो जाती है। क्यों हटा दिया जाता है? क्योंकि उस मिट्टी में आपके ऑर्गेनिक मैटर, पेबल्स यानी कंकड़ पत्थर इत्यादि हो सकते हैं। जब 20 सेंटीमीटर गहरी लेयर हटा दी जाएगी तो जो कंकड़ और ऑर्गेनिक मैटर होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, जिससे आपकी मिक्सिंग में प्रॉब्लम कोई नहीं होगी। इसके बाद जो आपका स्टेप आता है वो आपका होता है डिगिंग। जब 20 सेंटीमीटर गहरी मिट्टी की परत को हटा दिया जाता है, उसके बाद खुदाई की जाती है, और खुदाई करने के बाद मिट्टी को ग्राउंड सरफेस पर फैला दिया जाता है। जब ग्राउंड सरफेस पर फैला दिया जाता है तो फैलाने के बाद उस मिट्टी के ऊपर सैंड और फ्लाई एस को छिड़क दिया जाता है, या फ्लाई एस को फैला दिया जाता है। यानी अनसॉइलिंग के बाद, डिगिंग करने के बाद उस मिट्टी के ऊपर सैंड और फ्लाई एस का छिड़काव कर दिया जाता है। उसके बाद जो चौथा प्रोसेस है या चौथा स्टेप है वो आपका होता है, पहला था सरेक्शन असाइड, दूसरा अनसॉइलिंग, तीसरा डिगिंग, और चौथा है आपका बेदरिंग। और एक बात और ध्यान रखना, डिगिंग बारिश के पहले यदि संभव है तो कर लेना चाहिए, यानी बारिश के पहले आपकी खुदाई कर लेनी चाहिए। चौथा प्रोसेस है, स्टेप है आपका बेदरिंग। बेदरिंग मतलब होता है ऋतु प्रभावी बनाना, यानी जो मिट्टी की खुदाई की गई है उसको लगभग एक महीने के लिए वायुमंडल में या वातावरण में खुले छोड़ दिया जाता है। यानी एक महीने के लिए वातावरण में खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे उस मिट्टी की प्लास्टिसिटी इम्प्रूव होती है। और यदि मिट्टी की खुदाई मानसून के पहले की गई है, ध्यान दीजिएगा, यदि मिट्टी की खुदाई मानसून के पहले की गई है तो उस मिट्टी को मानसून, पूरा मानसून भर वैसे ही खुला छोड़ दिया जाता है, इससे भी आपकी मिट्टी की प्लास्टिसिटी इम्प्रूव होती है, यानी प्लास्टिसिटी की बिहेवियर में सुधार होता है। तो जो चौथा प्रोसेस था आपका वेदरिंग था। उसके बाद पांचवा है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग की हिंदी होती है सम्मिश्रण। सम्मिश्रण मतलब होता है आपका कि जब हम लोग प्रिपरेशन आप क्ले कर रहे होते हैं तो यदि क्ले में किसी इंग्रेडिएंट्स की कमी है तो उस इंग्रेडिएंट्स को मिला लिया जाता है इस प्रोसेस के दौरान। यानी ब्लेंडिंग के दौरान यदि किसी इंग्रेडिएंट की कमी होती है तो उस इंग्रेडिएंट को अलग से मिलाकर मिक्सिंग कर लिया जाता है, यही आपका होता है ब्लेंडिंग। यानी ब्लेंडिंग मतलब होता है सम्मिश्रण। जिस इंग्रेडिएंट की कमी होगी उस इंग्रेडिएंट को मिला लेंगे और मिट्टी को मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो छठा स्टेप है यानी लास्ट स्टेप यही होगा आपका, वह है नीडिंग और टैंपिंग और वाटरिंग। तो जो प्रिपरेशन आप क्ले का लास्ट स्टेप था वो आपका नीडिंग और टैंपिंग और वाटरिंग था। तो नीडिंग, टैंपिंग और वाटरिंग एक ही चीज़ है, सबका मतलब होता है गुथाई करना। यानी जो मिट्टी हम लोग मिक्स करके तैयार कर चुके हैं उसकी गुथाई करेंगे, जो मिट्टी हम लोग ब्लेंडिंग के बाद प्राप्त होती है उसकी गुथाई करेंगे। गुथाई के लिए करते क्या है कि क्ले के भार का 25-30% वाटर को लिया जाता है, 25-30% वाटर को लेकर मिक्सिंग करते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, दे लीजिएगा कि ब्लेंडिंग के बाद जो मिट्टी प्राप्त होती है उस मिट्टी में क्ले के भार का 25-30% वाटर मिलाकर मिक्सिंग किया जाता है, और मिक्सिंग करने पर एक होमोजेनियस मास प्राप्त होता है। तो जो होमोजेनियस मास प्राप्त होता है, तो होता क्या है कि जो मिट्टी की गुथाई की जाती है सामान्यतः पैरों से की जाती है। यदि गुथाई पैरों से की जा रही है तो उसे हम लोग कहते हैं नीडिंग। यानी पैरों द्वारा, जब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, पैरों द्वारा यदि गुथाई की जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं नीडिंग। सामान्यतः गुथाई आपके पैरों से ही की जाती है। उसके बाद होता क्या है कि गुथाई सामान्यतः पैरों से ही की जाती है, लेकिन कभी कभी जब ज़्यादा मात्रा में ब्रिक की मिट्टी को तैयार करना होता है तो हम लोग करते क्या है कि एक मशीन आती है जिसके द्वारा गुथाई करते हैं, और पग मिल के द्वारा जब गुथाई करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं पगिंग। यानी जब ज़्यादा मात्रा में ब्रिक के लिए मिट्टी तैयार करनी होती है तो करते क्या है, पग मिल का यूज करते हैं, और जब पग मिल का यूज करते हैं गुथाई के लिए तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पगिंग।
तो ये आपके थे प्रिपरेशन, आप लेके जो स्टेप उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। इसमें आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अनफॉलिंग के बाद कौन सा प्रोसेस होता है, डिगिंग के बाद कौन सा प्रोसेस होता है, बेदरिंग के बाद कौन सा प्रोसेस होता है, और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है कि मिक्सिंग के लिए कितने परसेंट वाटर यूज किया आता है, तो आपका है 25 से 30%। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैरों द्वारा गुथाई की जाने वाली प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं नीडिंग। तो ये था आपका पहला स्टेप प्रिपरेशन आप ले तो आपकी क्ले तैयार हो जाती है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मॉल्डिंग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने बताया था कि पगिंग से इसका यूज कर जब करते हैं, जब ज़्यादा मात्रा में ब्रिक की मिट्टी को तैयार करना होता है, तो ये देखा जाए पगिंग के द्वारा एक दिन में 1500 ईंटों के लिए मिट्टी को तैयार किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पगिंग के द्वारा कितने ईंटों की मिट्टी को तैयार किया जा सकता है एक दिन में, तो 1500 ईंटों की मिट्टी को तैयार किया जा सकता है पगिंग के द्वारा। तो ये देखते हैं अगला स्टेप क्या है। दूसरा है आपका मोल्डिंग। तो जैसा कि क्ले को हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया, यानी क्ले को तैयार कर लिया है, तो उसके बाद वाजिब सी बात है, श्योर सी बात है कि जब मिट्टी तैयार हो जाएगी तो उसको मोल्ड में लाएंगे, सांचे में लाएंगे, और सांचे में लाने के बाद उसको डाल देंगे, तो उसी को हम लोग कहते हैं मोल्डिंग। यानी ब्रिक को सुटेबल शेप और साइज में ले आना, ये मोल्डिंग कहलाता है। तो मोल्डिंग भी आपकी दो तरह से होती है, हैंड मोल्डिंग और मशीन मोल्डिंग। पहला आपका हैंड मोल्डिंग और दूसरा है मशीन मोल्डिंग। तो ध्यान दीजिएगा, हैंड मोल्डिंग हाथ से मोल्डिंग करना हैंड मोल्डिंग कहलाता है, और हाथ से मोल्डिंग करने के लिए एक सांचा होगा। तो जो सांचे की साइज होती है, जो ब्रिक की स्टैंडर्ड साइज होती है, उससे 8 से 12% बढ़ा कर ली जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मोल्डिंग हैंड मोल्डिंग में मोल्ड की साइज होती है वो स्टैंडर्ड ब्रिक की साइज से कितनी बढ़ा कर ली जाती है, तो 8 से 12% बढ़ा कर ली जाती है। और यदि एवरेज की बात की जाए तो 10% ली जाती है। यानी एवरेज में जो मोल्ड की साइज होती है वो ब्रिक की स्टैंडर्ड साइज से 10% बढ़ा कर ली जाती है। हैंड मोल्डिंग आपकी दो तरह से होती है, एक होती है ग्राउंड मोल्डिंग और एक होती है टेबल मोल्डिंग। तो ध्यान दीजिएगा, ग्राउंड मोल्डिंग में होता क्या है कि जो ग्राउंड मोल्डिंग से ब्रिक प्राप्त होती है उसकी क्वालिटी टेबल मोल्डिंग से प्राप्त ब्रिक की क्वालिटी से ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, यानी थोड़ा ख़राब होती है। और इससे जो ब्रिक प्राप्त होती है ग्राउंड मोल्डिंग से, उसकी सरफेस जो होती है थोड़ा स्मूथ होती है, ये थोड़ा कम शार्प होती है, जबकि टेबल मोल्डिंग से जो ब्रिक प्राप्त होती है उसकी सरफेस स्मूथ और एज जो होती है वो शार्प होती है। यानी यही अंतर है ग्राउंड और टेबल मोल्डिंग में। वैसे ग्राउंड मोल्डिंग ही हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं। ग्राउंड मोल्डिंग से जो ब्रिक प्राप्त होती है उसकी क्वालिटी इससे प्राप्त होने वाली ब्रिक की क्वालिटी से थोड़ा कम अच्छी होती है। तो ये आपका था ग्राउंड मोल्डिंग। यदि टेबल मोल्डिंग की बात की जाए तो इसमें दो चीज़ों का यूज किया जाता है, एक होता है स्टाक बोर्ड और एक होता है पैलेट बोर्ड। तो होता क्या है, स्टाक बोर्ड का यूज क्या होता है, स्टाक बोर्ड का यूज होता है आपका जो फ्रॉग बनाया जाता है ईंट में, उसके लिए आपका होता है। फ्रॉग बनाने के लिए स्टाक बोर्ड का यूज किया जाता है। और पैलेट बोर्ड का यूज इसलिए किया जाता है, जहाँ पर जैसे हम लोगों ने मोल्डिंग किसी अन्य स्थान पर किया और उसको सुखाने के लिए किसी अन्य स्थान पर ले जाना है, तो पैलेट बोर्ड का यूज किया जाता है। यदि इसके साइज के बारे में बात की जाए तो लेंथ आपकी होती है 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपकी होती है 12 सेंटीमीटर, और थिकनेस जो आपकी होती है वो आपकी होती है 10 mm। तो पैलेट बोर्ड का यूज ईंट को सुखाने वाले स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है पैलेट बोर्ड का यूज, और स्टाक बोर्ड जो होता है वो ईंट में फ्राक बनाने के लिए किया जाता है। पैलेट बोर्ड की लेंथ 30 सेंटीमीटर, ब्रिथ 12 सेंटीमीटर, और थिकनेस जो होती है वो 10 mm होती है। अब बात करें यदि मशीन मोल्डिंग की, तो मशीन मोल्डिंग सभी लोग जानते होंगे, जब ज़्यादा मात्रा में ब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग करना होता है तभी हम लोग मशीन मोल्डिंग का यूज करते हैं। तो ये आपका दूसरा प्रोसेस था मोल्डिंग। इसके बाद तीसरा प्रोसेस है आपका ड्राइंग। तो ड्राइंग को पढ़ने से पहले एक चीज़ और देख ले रहे हैं, मोल्डिंग में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो माउल्ड आपका होता है वो या तो लकड़ी का बना होता है या तो शीशम का बना होता है, लकड़ी का या तो स्टील का बना होता है। क्वेश्चन पूछा गया SSC JEE में
लकड़ी का माउल्ड बनाने के लिए किस लकड़ी का यूज करते हैं, तो आंसर आपका होगा रोजवुड या शीशम। तो यही क्वेश्चन आपका था नोट पॉइंट कि माउल्ड या तो लकड़ी का बना होता है या तो स्टील का। यदि लकड़ी का माउल्ड बना रहे हैं तो हम लोग रोजवुड लकड़ी का यूज करते हैं। रोजवुड मतलब होता है शीशम, यानी शीशम का यूज करते हैं। और एक बात और सुन लीजिएगा कि जो स्टील माउल्ड होते हैं वो ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, और स्टील माउल्ड से जो ब्रिक प्राप्त होती है वो सूटेबल शेप और साइज और सरफेस जो होती है स्मूथ और एज जो होती है वो शार्प होती है। और जबकि आपकी जो लकड़ी का माउल्ड होता है उससे जो ब्रिक की सरफेस होती है थोड़ा रफ होती है। तो यही आपका स्टील माउल्ड और वुडन माउल्ड में अंतर था। उसके बाद तीसरा स्टेप है आपका ड्राइंग। तो ड्राइंग की हिंदी आप लोग सभी लोग जानते होंगे, इसकी हिंदी होती है सुखाना। यानी माउल्डिंग के बाद सी बात है ईंट को सुखाना पड़ेगा। तो जब माउल्डिंग कर लेते हैं उसके बाद जो ब्रिक में मॉइस्चर होता है आपका होता है 7 से 30%। 7 से 30% तक उस ब्रिक में मॉइस्चर होता है, और इस प्रकार की ब्रिक को हम लोग ग्रीन ब्रिक कहते हैं। यानी माउल्डिंग के बाद जो ब्रिक में मॉइस्चर होता है वो 7 से 30% होता है, और इस प्रकार की ब्रिक को हम लोग ग्रीन ब्रिक कहते हैं। तो ड्राइंग के भी दो प्रोसेस है, दो प्रोसेस है, एक आपका है आर्टिफिशियल, एक आपका है नेचुरल। तो नेचुरल मतलब प्रगति के द्वारा, यानी किसी स्थान पर जाकर हम लोगों ने डाल दिया और वो वायु धूप इत्यादि से ईंट वो सूखती है। तो नेचुरल ड्राइंग में आपका जो टाइम लगता है वो 3 से 10 दिन का समय लगता है। नेचुरल ड्राइंग में 3 से 10 दिन का समय लगता है। और दूसरा आपका है आर्टिफिशियल ड्राइंग। आर्टिफिशियल मतलब हैंड के द्वारा है, आर्टिफिशियल मतलब मानवीय मानव के द्वारा आर्टिफिशियल ड्राइंग। तो आर्टिफिशियल ड्राइंग में होता क्या है, ब्रिक को ब्रिक की बाउंडिंग करने के बाद उस ब्रिक को एक चैम्बर में ले जाते हैं, भट्ठे के चैम्बर में ले जाते हैं, और उस चैम्बर में स्टीम प्रोवाइड की जाती है। और जो स्टीम का टेम्परेचर होता है वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्टिफिशियल ड्राइंग में स्टीम का जो टेम्परेचर होता है, स्टीम प्रोवाइड की जाती है और जो उसका टेम्परेचर होता है वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आर्टिफिशियल ड्राइंग में यदि बात की जाए कितना समय लगता है, तो 1 से 3 दिन का समय लगता है। आर्टिफिशियल ड्राइंग में 1 से 3 दिन का समय लगता है। और लास्ट स्टेप है आपका चौथा, बर्निंग। तो बर्निंग मतलब ईंट को जलाना, यानी ईंट को किसी भट्ठे में ले जाकर जलाएंगे, वो आपका क्लैंप पजावा हो या क्लीन हो यानी भट्ठा हो। तो बर्निंग, अब आप लोग सोच रहे होंगे ड्राइंग क्यों किया सीधे बर्निंग कर लिए होते हैं। तो नोट पॉइंट है आपका, हम लोग बर्निंग सीधे इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि यदि सीधे बर्निंग कर देंगे तो जो ईंट में मॉइस्चर होगा वो अचानक से रिमूव हो जाएगा, और जो ईंट में से अचानक से मॉइस्चर रिमूव होगा तो उसमें श्रिंकेज भी ज़्यादा होगा, और श्रिंकेज ज़्यादा होगा तो वार्पिंग ज़्यादा होगा, और वार्पिंग श्रिंकेज ज़्यादा होने के कारण उसमें क्रैक्स पड़ने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी, जिससे आपकी ईंट कमज़ोर हो जाएगी और ईंट किसी यूज लायक नहीं रह जाएगी। इसीलिए हम लोग ड्राइंग सीधे नहीं बर्निंग सीधे नहीं करते हैं, ड्राइंग कर लेते हैं। ड्राइंग के बाद जो ब्रिक में मॉइस्चर बचता है वो लगभग 2% बचता है। ड्राइंग के बाद ब्रिक में जो मॉइस्चर बचता है वो 2% बचता है, और बर्निंग से जो ब्रिक आपकी होती है वो हार्ड बनती है, डेंस बनती है, और जो ब्रिक का कलर होता है वो रेड कलर प्रदान होता है, यानी रेड चेरी कलर उसका हो जाता है। हार्ड बनती है, डेंस बनती है, और जब डेंस बनेगी तो वाजिब सी बात है स्ट्रेंथ बढ़ेगी, यानी ब्रिक का स्ट्रेंथ बढ़ता है। बर्निंग से आपकी ब्रिक हार्ड बनती है, डेंस बनती है, रेड कलर प्रदान होता है, और स्ट्रेंथ भी आपकी बढ़ती है। तो इस प्रकार से आपका बर्निंग का, जैसा कि मैंने बताया था, रेड कलर यहाँ पर नहीं होगा। रेड कलर तो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, तो यहाँ पर रेड कलर नहीं होगा। तो ब्रिक आपकी हार्ड बनेगी, डेंस बनेगी, स्ट्रेंथ प्रदान करेगी, और जब डेंस हार्ड और स्ट्रेंथ उसकी बढ़ेगी तो जो उसकी ड्यूरेबिलिटी होगी वो भी बढ़ेगी। तो ये आपका बर्निंग था। बर्निंग जैसा कि कई स्ट्रक्चर में किया जाता है, बर्निंग आपके दो तरह के स्ट्रक्चर में किया जा सकता है। पहला है आपका
पहला आपका टेम्परेरी स्ट्रक्चर और दूसरा है परमानेंट स्ट्रक्चर, तो उससे उसको पहले पढ़ने से पहले हम लोग ध्यान दे लें। बर्निंग में आपके तीन स्टेप फॉलो होते हैं, जो बर्निंग में आपके स्टेप होते हैं वो तीन स्टेप फॉलो होते हैं, देख लीजिए कौन कौन से हैं। पहला आपका डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का जो टेम्परेचर होता है वो 400 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी डिहाइड्रेशन का जो टेम्परेचर होता है वो 400 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें होता क्या है कि जो ड्राइंग के बाद मास्टर बचा हुआ है वो रिमूव हो जाता है। डिहाइड्रेशन का मतलब थोड़ा थोड़ा मास्टर रह जाता है उस ब्रिक में, यानी जब ब्रिक को 400 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ले जाते हैं तो थोड़ा सा मास्टर उस ब्रिक में रह जाता है और सब मास्टर रिमूव हो जाता है, और जो क्ले होती है वो अपनी प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को खो देती है। यानी डिहाइड्रेशन प्रोसेस का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो तीनों स्टेप जो तीनों स्टेप फॉलो होते हैं बर्निंग प्रोसेस में, उन तीनों स्टेप के टेम्परेचर दिए होते हैं, उस टेम्परेचर को पूछ लिया जाता है या फिर पूछा जाएगा जब टेम्परेचर इतना होता है तो कौन सा स्टेप होता है। बहुत ज़्यादा तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब टेम्परेचर 400 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो कौन सा स्टेप होता है डिहाइड्रेशन, जब 650 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड होता है कौन सा होता है ऑक्सीडेशन, और जब 900 से 1200 होता है तब आपका कौन सा स्टेप होता है, तो आपका होता है विट्रीफिकेशन। तो ये आपके तीन स्टेप है, पहला है डिहाइड्रेशन 400 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें क्या होता है कि ड्राइंग के बाद पूरा ड्राइंग के बाद बचा हुआ फेस मास्टर रिमूव हो जाता है, क्ले अपनी प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को रिमूव कर देता है, यानी क्ले की रिमूव हो जाता है, और जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो आपके बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं, कार्बनिक पदार्थों की बर्निंग हो जाती है। और दूसरा जो स्टेप है वो आपका है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का जो टेम्परेचर होता है वो 650 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ऑक्सीडेशन का जो टेम्परेचर होता है वो 650 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें क्या होता है कि इस प्रोसेस में कार्बन और सल्फर रिमूव हो जाते हैं, इस प्रोसेस में क्या होता है कि कार्बन और सल्फर रिमूव हो जाते हैं और जो फेरस का जो आयरन का फेरस फॉर्म है वो फेरिंग में चेंज हो जाता है, फेरस फॉर्म फेरिंग में चेंज हो जाता है, यानी जो आयरन का फेरस फॉर्म है वो फेरिंग में चेंज होता है ऑक्सीडेशन में। और तीसरा प्रोसेस, तीसरा स्टेप जो आपका है वो लास्ट स्टेप है विट्रीफिकेशन। इसका जो टेम्परेचर होता है वो 900 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी विट्रीफिकेशन का जो टेम्परेचर होता है वो 900 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसमें क्या होता है, इस टेम्परेचर पर क्या होता है कि चीज़ें थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट दिखने लगती हैं। तो होता क्या है इसमें कि जो सिलिका के कण हैं वो पिघल कर, सिलिका के कण पिघल कर एलुमिना के साथ मिलकर बाइंडिंग का कार्य करते हैं, यानी जो सिलिका के कण हैं वो पिघल कर एलुमिना के साथ बाइंडिंग का कार्य करते हैं, जिससे जब बाइंडिंग का कार्य करेंगे तो ब्रिक की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और बाइंडिंग का कार्य करने के कारण उसकी डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो सिलिका के कण पिघल कर जब एलुमिना के साथ मिलकर बाइंडिंग का कार्य करते हैं तो ब्रिक की डेंसिटी बढ़ती है, जिससे स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो ध्यान दीजिएगा विट्रीफिकेशन में क्या होता है कि जो लो क्वालिटी की ब्रिक होती है उसके लिए जो टेम्परेचर होता है वो 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, लो क्वालिटी की जो ब्रिक होती है और जो गुड क्वालिटी की ब्रिक होती है उसके लिए टेम्परेचर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी लो क्वालिटी ब्रिक के लिए जो टेम्परेचर होगा 1100 डिग्री सेंटीग्रेड और जो गुड क्वालिटी की ब्रिक होगी उसके लिए जो टेम्परेचर होगा 1200 या कहीं 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 1250 भी लिखा होता है। तो लो क्वालिटी ब्रिक के लिए टेम्परेचर आपका 1100 डिग्री सेंटीग्रेड और गुड क्वालिटी ब्रिक के लिए 1200 डिग्री सेंटीग्रेड या 1250 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपके बर्निंग में तीन स्टेप फॉलो होते हैं, डिहाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, विट्रीफिकेशन। डिहाइड्रेशन का टेम्परेचर 450 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑक्सीडेशन का 650 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड और विट्रीफिकेशन का 900 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपका था बर्निंग। अब देखेंगे बर्निंग के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी स्ट्रक्चर ऑफ बर्निंग के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बर्निंग के बारे में। तो स्ट्रक्चर ऑफ
बर्निंग। जैसा कि मैंने बताया था, बर्निंग के दो स्ट्रक्चर होते हैं, पहला है परमानेंट और दूसरा है टेम्परेरी। टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर और दूसरा है परमानेंट स्ट्रक्चर। तो यदि बात करें टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर के बारे में, तो जो टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर होता है उसके अंतर्गत आपके क्लैंप या पजावा आते हैं। इसमें भी आपका ईंट की बर्निंग की जाती है, क्लैंप या पजावा आते हैं। और क्लैंप या पजावा से जो अच्छी क्वालिटी की ब्रिक होती है, लोगों 50-60% प्राप्त होती है। यानी क्लैंप या पजावा से पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कितने परसेंट अच्छी क्वालिटी की ब्रिक प्राप्त होती है, तो 50-60%। और जो इससे ब्रिक की ब्रिक का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में या ब्रिक की बर्निंग में 6 महीने के समय लग जाते हैं। यानी पूछा जा सकता है क्लैंप या पजावा से ब्रिक की बर्निंग या पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में कितने महीने का समय लगता है, तो 6 महीने का समय लगता है। दो क्वेश्चन बन रहे हैं, क्लैंप या पजावा से अच्छी क्वालिटी की 50-60% ब्रिक प्राप्त होती है और बर्निंग में आपके 6 महीने का समय लगता है, तो ये दो क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और इससे एक बार में 25,000 से 1,00,000 तक के ईंटों की बर्निंग की जा सकती है। यानी इसकी जो कैपेसिटी है 25,000 से 1,00,000 तक के ईंटों की। यदि बात करें परमानेंट स्ट्रक्चर, तो इसमें आपके भट्ठे आते हैं यानी क्लीन आते हैं, इसके अंतर्गत आपके क्लीन आते हैं। इसके अंतर्गत दो तरह के स्ट्रक्चर हैं, एक आपका है इंटरमीडिएट लीन, दो तरह के भट्ठे आते हैं इंटरमीडिएट लीन और दूसरा है आपका कंटिन्यूअस लीन। पहला आपका इंटरमीडिएट लीन और दूसरा है आपका कंटिन्यूअस लीन। तो यदि देखा जाए इंटरमीडिएट यानी आंतरायिक आविरामी भट्ठा, तो यदि इसके अंतर्गत देखा जाए तो जो लोडिंग, ब्रिक की लोडिंग, अनलोडिंग और कूलिंग का प्रोसेस एक साथ नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग आंतरायिक भट्ठा बोलते हैं। एक साथ ये तीनों प्रोसेस नहीं होते हैं। तो इसके अंतर्गत जो आपका आता है वो आपका है अलाहाबादी भट्ठा, यानी अलाहाबादी लीन। और यदि बात की जाए कंटिन्यूअस लीन की यानी लगातार सतत, तो इसके अंतर्गत जो लोडिंग, अनलोडिंग और कूलिंग का प्रोसेस होता है एक साथ होता है। और इसके अंतर्गत जो आपका आता है हाफ फैन का भट्टा आता है, और जो इंडिया में यूज किया जाता है वो बुल का खाई भट्टा यूज किया जाता है। तो जो बुल का खाई भट्टा होता है वो ग्राउंड सरफेस से नीचे बनता है, और ग्राउंड सरफेस से नीचे बनने के कारण जब बारिश होती है तो उसमें पानी भरने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण बारिश के मौसम में उसे बंद करना पड़ता है। जब बारिश के मौसम में बंद करना पड़ता है तो इस प्रकार उस भट्टे को हम लोग सेमी कंटिन्यूअस लीन का भट्टा बोलते हैं। यदि पूछ लिया जाए किसी एक समय सेमी कंटिन्यूअस भट्टे का नाम बताइए, तो आपका बुल का खाई भट्टा जो इंडिया में यूज किया जाता है। और जो बुल के खाई भट्टे की ब्रिक के बर्निंग की कैपेसिटी है वो आपकी है 10,000 ईंटों की बर्निंग की जा सकती है बुल के खाई भट्टे से, और जबकि इससे है वो आपकी 25,000 ईंटों की बर्निंग की जा सकती है। यानी एक बार में हाफमैन के भट्टे से 25,000 ईंटों की बर्निंग की जा सकती है, और बुल के खाई भट्टे से 10,000 ईंटों की बर्निंग की जा सकती है। और जो बुल के खाई भट्टे से प्राप्त ईंट की क्वालिटी इससे प्राप्त ईंट की क्वालिटी से थोड़ी कम अच्छी होती है। तो ये आपका था मैन्युफैक्चरिंग ब्रिक के बारे में, जिसमें हम लोगों ने अध्ययन किया क्ले के प्रिपरेशन के बारे में, मोल्डिंग के बारे में, ड्राइंग के बारे में, बर्निंग के बारे में, और उसके बाद देखा स्ट्रक्चर ऑफ बर्निंग और ब्रिक बर्निंग में कौन कौन से इससे फायर होते हैं। तो एक बात की जाए कि ईंटों को पकाने के लिए नोट पॉइंट है, ईंटों को पकाने के लिए 24 घंटे का समय लगता है। यानी ईंटों को पकाने के लिए चौबीस घंटे का समय लगता है, तो जबकि कूलिंग में 12 दिन का समय लगता है। तो ये आपका था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक के बारे में। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि यदि ज़्यादा अध्ययन करेंगे तो लेक्चर आपका बड़ा हो जाएगा। धीरे धीरे करके सब कुछ समाप्त कर लेंगे हम लोग और समझ में भी आता जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद हम लोग देखेंगे अच्छी क्वालिटी की ब्रिक जो होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, यानी विशेषताओं के बारे में, उसके बाद ब्रिक की टेस्टिंग के बारे में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग।